हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि 4 तारीख को हमारी सीखो कमाओ योजना चालू होने वाली है, तो आज 4 तारीख हो गई है और आज हम ये नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या चालू हुआ है क्या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वेबसाइट पहले की तरह ही दिख रही है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन बढ़ गया है, अभ्यर्थी पंजीयन। जैसे भी किसी जानकारी के लिए हमें अभ्यर्थी का ही पंजीयन करना है, प्रतिष्ठानों के हो चुके हैं तो ये अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करें और इसमें आपसे जाना जाएगा कि अभ्यर्थी पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश ये है कि इस योजना में पंजीयन करने के लिए समग्र आईडी होना अनिवार्य है और समग्र आईडी में मोबाइल नंबर और ईमेल उपलब्ध होना जरूरी है। समग्र पोर्टल पर आवेदक का आधार ईकेवाईसी किया जाना आवश्यक है। यहाँ ईकेवाईसी का आशय समग्र पोर्टल पर आधार का डाटा ओटीपी या बायोमेट्रिक के से मिलान करने का है। समग्र आईडी में ईकेवाईसी करवाने एवं चेक करने हेतु आप समग्र पोर्टल पर जा सकते हैं। समग्र पोर्टल पर आपने अगर केवाईसी नहीं किया तो एक बार अपनी केवाईसी करा लें, उसके 24 घंटे बाद ये अपडेट हो जाता है और 24 घंटे बाद आप अपना तो फॉर्म ये वाला भर सकते हैं। अभ्यर्थी पंजीयन करने के पश्चात आप प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपनी प्रोफाइल पूर्ण करेंगे। अभ्यर्थी योजना अंतर्गत पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अपनी 12वीं आईटीआई या कोई डिप्लोमा की जानकारी दर्ज करें। इसके लिए संबंधित अंक सूची की सॉफ्ट कॉपी जो पीडीएफ में हो और केवल 500 केबी से ज़्यादा ना हो, ये आपको अपलोड करना है। और अपने बैंक खाते में डीबीटी चालू रखनी है। अगर नहीं है तो पहले बैंक जाकर अपना आधार कार्ड सबमिट करें, जिससे आपकी डीबीटी चालू हो सके। और इसकी पात्रता की शर्तें हैं कि जिनकी आयु 18 से 29 हो, ये मैं पहले ही वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो हम इस पर मैंने योजना का अवलोकन कर लिया है और मैं इस योजना की पात्रता रखती हूँ पर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास सामने समग्र आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर समग्र आईडी एंटर करना है, तो हम यहाँ पर समग्र आईडी डाल लेते हैं। और ये हमने एक समग्र आईडी डाल दी, छोटा सा कैप्चा हमको फिल करना है और ये हमने कैप्चा डाल दिया है और सत्यापित करने पर क्लिक करेंगे। सही कैप्चा डालें, हो गया होगा कुछ गड़बड़, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा डाल लेते हैं हम T9। सत्यापित करने पर क्लिक करें और आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समग्र पर पंजीकृत मोबाइल नंबर ये है और आप इसके SMS के थ्रू OTP प्राप्त करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP चाहिए। आ गई है OTP 604937, ये हमने डाल दी है और सत्यापित करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ पेज इस तरीके से आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपको OTP डालने के बाद, या मैं करके ही दिखा देता हूँ, दो जगह खुल जाएगा। ये फॉर्म आ गया है, ये मैंने पहले ही खोल कर रखा था, हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर आपको जानकारी आ गई है, आपका नाम, पता, एड्रेस, पिताजी का नाम वगैरह वगैरह। और यहाँ पर नीचे दिखे व्हाट्सएप नंबर, आप किसी पर व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं, तो जो है उसी पर है। और इस पर जो ईमेल आईडी मांगी जा रही है, अब आपको ईमेल आईडी देना है, ये भविष्य में आपको ईमेल के थ्रू ही कॉन्टेक्ट करेंगे। ये मेरा ईमेल आईडी है और मैं यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ। हाँ, तो ये हमने हमारी ईमेल आईडी डाल ली है। अब ईमेल आईडी पर OTP भेजने पर क्लिक करें। प्राप्त नहीं, अगर OTP नहीं आती है तो स्पैम फोल्डर में जाके देखना है। यहाँ पर लिखा आ गया है कि आपकी ईमेल आईडी फला फला पर OTP भेज दिया गया है, केवल 10 मिनट के लिए वैध है। अब हम अपने ईमेल पर जाकर इस चेक करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है कि मैं पिछले 2 या 3 घंटों से प्रयास कर रहा हूँ, आज मेरा पूरा दिन इसी में चला गया है, यहाँ पर ईमेल नहीं आ रहा है। ईमेल आएगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये अभी साइट पूरी तरीके से चालू नहीं है, साइट पर बहुत सारी कमियाँ हैं। जैसे ये चीज़ हो जाती है उसके बाद हम एक और नया वीडियो डालेंगे कि इस तरीके से आगे कैसे भरना है। तो अभी तो खैर हम यहीं तक रुक रहे हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।